क्वेश्चन नंबर वन है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर पंचायत जो है बेटर नहीं होगा। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, लेकिन नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो जो है 76वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है नगरीय प्रशासन को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, विकास कार्यों की देखभाल करने तथा जिला कलेक्टर के कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से एक पृथक जो है सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? तो अलवर में जो है नगर निगम नहीं है और बाकी जयपुर, अजमेर और जोधपुर तीनों में नगर निगम है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन फाइव की, तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इन्हें अधिकारगर बनाने हेतु गठित समिति है, तो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत में पंचायती राज जो है शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ही भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित जो है 29 विषयों में से अब तक कितने विषयों का कार्य पंचायतों को स्थानांतरित कर किया गया है? तीन विषय जो है 21 विषयों का जो है पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया गया है। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय जो है बताए गए हैं, वर्णन किया गया है 29 विषयों का संविधान की 11वीं अनुसूची में, तो उनमें से 21 जो विषय हैं इनके विषयों का जो कार्य है इनको पंचायतों को जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है? तो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए ये अपना जो है ड्यूटी निभा रहा है, अपना दायित्व निर्वाह कर रहा है कौन सा? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वन, 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाने का सुझाव देने वाली कमेटी का नाम बताइए? तो बलवंत राय मेहता समिति है और ये सुझाव देने वाली कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है? तो जिला परिषद की जो संख्या है वो 33 है, पंचायत समिति 249 है, ग्राम पंचायतें हैं 9177। तो ये सभी बातें जो सही है राजस्थान के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1994 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर किस वर्ष नागौर जिले में की गई थी? तो 1959 में की गई थी ये गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती मनाई जाती है, तो उसी दिन जो है नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए जो 25 मार्च 2018 को राज्य विधानसभा में पंचायती राज में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित कर दिया, इस विधेयक में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो जो है 50% आरक्षण का रिजर्वेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन के सुझाव पर नहीं है? तो राज मन्नार जो कमेटी है इसका संबंध पंचायती राज प्रणाली के सुझाव पर नहीं है, और बाकी जो तीन समितियां हैं गिरधारी लाल व्यास कमेटी, पी के युंगन कमेटी और जो है
लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, ये तीनों ही पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन के सुझाव पर जो है संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिला आयोजना समिति में पदेन सदस्य की संख्या 3 होती है तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2। जिला आयोजना जो कमेटी होती है, समिति होती है, उसमें पदेन सदस्य तो कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, लेकिन मनोनीत कितने किए जाते हैं? 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 2 अक्टूबर 1900, यहाँ पर जो है मिफ टाइप है कुछ, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है, 2 अक्टूबर 1959 है, यहाँ पर जो है करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ, कहाँ हुआ? नागौर के बगदरी गांव में, बगदरी नागौर, मतलब नागौर का एक गांव है बगदरी, यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 सन 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है गलत टाइप हुआ है 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। पंचायती राज्य किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों को नेतृत्व किया जाता है खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पंचायत समितियों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में, अलवर में सबसे ज्यादा पंचायत समितियां हैं राजस्थान में।